प्रदेश की महिलाओं को मासिक माहवारी पर जागरूक किया जा रहा है, जिसका बीड़ा डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस हिमाचल प्रदेश से उठाया है। सोसाइटी के संस्थापक अमरजीत सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि स्कूलों व कॉलेजों में आयोजित किए गए कार्यक्रमों से प्रदेश की 10,000 से अधिक बच्चियों को लाभ मिला है। प्रदेश की महिलाओं को मासिक माहवारी पर जागरूक किया जा रहा है, जिसका बीड़ा डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस हिमाचल प्रदेश से उठाया है। सोसाइटी के संस्थापक अमरजीत सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि स्कूलों व कॉलेजों में आयोजित किए गए कार्यक्रमों से प्रदेश की 10,000 से अधिक बच्चियों को लाभ मिला है। यही नहीं, महिलाओं व बुजुर्गों को उनके स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूक करने के लिए संस्था ने 7,000 महिलाओं को घर गाँव में रोजगार से जोड़ा है। संस्था द्वारा नशा निवारण पर भी काम शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 31 दिसंबर 2020 से पहले कर दी जाएगी। संस्था प्रदेश में स्वास्थ्य, पंचायती राज एवं महिला व बाल विकास विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है। विभागों का संस्था को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। महिलाओं की मासिक माहवारी पर संस्था प्रदेश में सर्वे करवा रही है। ऊना बिलासपुर जिला के 15 विकास खंडों में मासिक माहवारी पर सर्वे करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है, जिसकी बुकलेट तैयार करके कांगड़ा जोन में महिला दिवस पर अभियान के दौरान उसका विमोचन किया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस हिमाचल प्रदेश के संस्थापक अमरजीत सिंह ने कहा कि संस्था ने प्रदेश की महिलाओं व बुजुर्गों को उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश स्तर पर अभियान शुरू किया है। संपूर्ण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान 2019 के तहत प्रदेश की 3,226 पंचायतों में 7,000 महिलाओं को उनके घर गाँव में स्वरोजगार से जोड़ा गया है। उन्हें काम के प्रति ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके लिए कांगड़ा जिला में 18 से 25 फरवरी तक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत स्कूलों व कॉलेजों में बच्चियों के लिए मासिक महामारी पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 10,000 बच्चियों को लाभ पहुँचा है। हमारी संस्था प्रदेश भर में महिलाओं की मासिक महामारी के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्वे करवा रही है। इसी के चलते हमीरपुर जोन के 3 जिलों हमीरपुर और हिमाचल हमीरपुर ऊना और बिलासपुर के 15 विकास खंडों में हम ये मासिक माहवारी के ऊपर एक सर्वे करा चुके हैं। इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार हो रही है और उसकी एक बुकलेट प्रिंट की जाएगी और उसका विमोचन जब हम कांगड़ा और चंबा जोन में हम अपने अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2020 को अभी करने जा रहे हैं, उसी दिन इस बुकलेट का विमोचन किया जाएगा। संस्था ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बुजुर्गों को उनकी शारीरिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने स्तर पर एक प्रदेश स्तर पर अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है संपूर्ण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान 2019। इस अभियान के अंतर्गत हमारी संस्था ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की में 3,226 ग्राम पंचायतों में 7,000 के लगभग महिलाओं को उनके घर गाँव में स्वरोजगार प्रदान कर दिया है और उनको उनके काम के प्रति विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। और ये प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कांगड़ा जिला में 18 फरवरी से 25 फरवरी तक लगातार चला है। हमारे अभियान से हम अपने इस अभियान के अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों में जो मासिक माहवारी के ऊपर कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं, उसके द्वारा 10,000 के लगभग बच्चियों को इसका फ़ायदा मिल चुका है और हम ये क्रम जो है हमने जारी रखा है। हम हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। इन तीनों विभागों का हमारी संस्था को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। हमारी संस्था बहुत जल्दी नशा निवारण के ऊपर एक अभियान शुरू कर रही है और जिसको उसके ऊपर अभी काम चला है और उसकी लॉन्चिंग 31 दिसंबर 2020 से पहले कर दी जाए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।